नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल। 8 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक का ये राशिफल है। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में क्या घटेगा, कैसे घटेगा, किस तारीख में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब क्या सावधानी रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा ताकि आप अपने दिनों को पहले से ही प्लान कर सकें। उपाय भी बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा ताकि आप शुभ ही शुभ अपने जीवन में कर सके। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है सप्ताह में, तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी, नाम राशि पर आधारित होगी और आप लोग अपनी राशि के अनुसार इस वीडियो को देखिए। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए होगी। अब हम बात करते हैं इस L6 लॉकेट की। देखिए, जिसके भी जीवन में दुख है, जिसके भी जीवन में परेशानी है, वो इसको पहने। किसी को बच्चे की परेशानी है, किसी को बीवी की परेशानी है, किसी को पति की परेशानी है। कोई कहता है कि मेरी पत्नी से नहीं बनती, कोई कहता मेरा पति से नहीं बनती, कोई कहता मेरे बॉस से नहीं बनती, कोई कहता मेरे टीचर से नहीं बनती, कोई कहता मेरे पास पड़ोस से नहीं बनती, कोई कहता सास बहू की नहीं बनती। घर में कलेश है, ये रिश्तों को सुधार देगा, चाहे पति पत्नी का हो या कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती यारी का रिश्ता हो, चाहे प्रेम संबंध हो। कोई कहता मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कहता मैं कमाता बहुत हूँ लेकिन सब खर्च हो जाते हैं, कोई कहता बीमारी में खर्च होता है, कोई कहता दोस्त यार लूट लेते हैं, कोई कहता पैसा आता है और चला जाता है, कोई कहता बीमारी में खर्च हो जाता है। ये आपके पैसों को बचाएगा। कोई कहता है कि मेरी बुद्धि कमज़ोर है, मुझे समझ नहीं आता, दुनिया मुझे पागल बना देती है, मैं पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा हूँ लेकिन मैं जो याद करता हूँ, जो स्कूल जाता हूँ तो भूल जाता हूँ, व्यापारी हैं लेकिन दिमाग काम नहीं करता, गलत फैसले ले लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं, ये उनकी मदद करेगा। जिनको शादी हो गई है, बड़े दिनों से पति पत्नी का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ये सहायता करेगा। जिनके घर में तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा का साया है, उनके लिए ये मदद करेगा। शनि राहु केतु की अगर बुरी छाया है या सारे साथी है या ढैया है तो उसके अशुभ प्रभावों को कम करेगा। और कलयुग के राजा राहु का आशीर्वाद दिलाएगा, शनि का आशीर्वाद दिलाएगा, केतु का आशीर्वाद दिलाएगा। यानी कुल मिलाकर ये सफलता का एक पैकेज है अजय लॉकेट। ये हर क्षेत्र में आपको विजय दिलाएगा, काल सर्व दोष से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। L6 इसका कोड है, पहनिए और जीवन में खुशियां प्राप्त करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। नवरात्रि के इन दिनों में ये लॉकेट विशेष रूप से सिद्ध किए जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं, तो इस मौके का फायदा उठाइए, आज ही ऑर्डर करिए। अब जानिए अपनी राशि का साप्ताहिक राशि फल। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सप्ताह के शुरुआत की अवधि आपके स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आत्मविश्वास के लिए शुभ नहीं है। आपको महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप थोड़े से हताश और निराश हो सकते हैं, अपने धैर्य को बनाए रखिएगा। सप्ताह के मध्य भाग में यात्रा पर जाना अनुकूल रहेगा। किसी दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यात्रा में लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हैं। आप बड़े पैमाने पर विभिन्न स्थानों पर सेमिनार सम्मेलन में जा सकते हैं या आयोजन करके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं, काम को बढ़ा सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का साथ और सहयोग मिलेगा, उनका आत्मविश्वास आपके साथ होगा और आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। साधनाओं और गुरुओं के आशीर्वाद से यह समय लाभकारी रहेगा। सप्ताह का अंतिम भाग प्रसिद्धि की प्राप्ति देगा, बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय में प्रबल संभावनाएं बन रही हैं कि आपकी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति बेहतर होगी। उच्च अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से, सरकारी क्षेत्र से आपके काम बनेंगे। आपकी आजीविका के क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, आपकी योजनाएं सही समय पर काम आएंगी और आपको लाभ ही लाभ होता चला जाएगा। 8 अप्रैल दिन शुक्रवार, वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय सावधानी रखिए। आज धन निवेश मत करिएगा, शुभ समय नहीं है, धोखाधड़ी हो सकती है, गलत फैसला ले सकते हैं आप। जीवन साथी से तालमेल बिठा कर रखिएगा, कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है, अनावश्यक वाद विवाद से बचे। किसी अशुभ समाचार के मिलने से निराशा हो सकती है, प्रेम संबंध में आज का दिन सामान्य रहेगा। 9 अप्रैल दिन शनिवार, आज थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकावटें आएंगी, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें और सट्टेबाजी में धन का निवेश ना करिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद के कारण तनाव रह सकता है, आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा खटपट रहेगी, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है और आपको अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने द्वारा नहीं दूसरों के द्वारा परेशान रहेंगे। 10 अप्रैल रविवार, आपके लिए दिन शुभ रहेगा, उम्मीद से अधिक का काम चलेगा, मूड अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन साथी से संबंध ठीक होंगे, आपके भविष्य में आपको अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा,
आपकी योजनाएं काम रहेंगी, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे, यात्राएं संभव है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए योजनाएं काम करेंगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ मानसिक परेशानियां रहेंगी। 11 अप्रैल दिन सोमवार आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आप अपने टीम के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, आपके काम बहुत अच्छे होंगे, आपको यात्रा से लाभ मिलने वाला है, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, आपको जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते गहरे होंगे, प्यार और गहरा होगा। व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन बहुत ही बेहतर रहेगा। 12 अप्रैल मंगलवार का दिन है, आप अपने अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग कर सकते हैं, आपकी कार्य स्थिति बहुत बेहतर रहेगी, व्यापारियों को व्यापार में विस्तार करने के मौके मिलेंगे, यात्रा से लाभ होगा, जीवन साथी प्रसन्नचित रहेगा, संतुष्ट रहेगा, आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे, बच्चों के प्रति स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता रह सकती है, आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, आपकी आय बढ़ेगी। बुधवार 13 अप्रैल का दिन आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा, आप अपनी चिंताओं से मुक्ति पालेंगे, आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा जो आपकी कार्य की स्थिति को सुधार सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क बनेंगे, माता के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में एकाग्रचित रह सकते हैं, आपको जीवन साथी के नाम पर संपत्ति प्राप्त हो सकती है, आप अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, रोमांटिक मूड रहेगा, जीवन साथी का आनंद मिलेगा। गुरुवार एक अच्छा दिन बिताएंगे, निश्चित रूप से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ की संभावनाएं बनेंगी, प्यार इश्क मोहब्बत का दिन है, प्यार इश्क मोहब्बत बढ़ाएगा आपका यह दिन, रिश्ते बेहतर रहेंगे, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, आपके लिए दिन प्रसन्नतादायक रहेगा, सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ले तो और भी बेहतर रहेगा, विदेश से संबंध जुड़ेगा यह सप्ताह, आपके लिए करीब करीब 75% शुभ परिणाम मिल रहे हैं और आपको 6 नंबर लकी रहेगा। बहुत ही बढ़िया सप्ताह है, इस सप्ताह का आनंद उठाइए, लाभ उठाइए और करिए ये उपाय। आपने जाना अपनी राशि के बारे में, आने वाले 7 दिनों के बारे में, आपका समय बहुत बेहतर बीते, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हनुमान जी की उपासना करते रहें, शिव जी की उपासना करते रहें, और अगर पैसा कमाना है, पैसा जोड़ना है और सुख पाना है, खूब माला माल होना है, तो ये L6 का लॉकेट पहन लीजिए, यकीन मानिए माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव, माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ होगा हमेशा। इन बड़े बड़े ग्रहों का आशीर्वाद, बड़े बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर जब आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो फिर वहां पर आप विजय प्राप्त करेंगे। L6 लिखिए, मंगाइए, पहनिए और सुखी हो जाइए। नमस्कार।